सो हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। वर्ल्ड कप 2019 में कुल 10 टीमें खेली है और उन 10 में से सिर्फ 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल्स में जाने वाली है। तो आज के इस वीडियो में यार भाई देखने वाले हैं कौन सी वो 4 टीमें हैं और साथ ही में यार भाई कौन सी टीम किसके साथ सेमीफाइनल में लड़ने वाली है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, जो लाइक का बटन है उसको ब्लू कलर का कर दो और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। सो आज यार भाई बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। चारों टीमों की बात करें सबसे पहले तो यार भाई नंबर वन पे है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहली टीम जो क्वालिफाई करी थी वो है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में अच्छी दिख रही है। दूसरी टीम की बात करें तो यार भाई दूसरी टीम है इंडिया। इंडिया ने भी यार भाई हाल फिलहाल में क्वालिफाई करा है, हाल फिलहाल में बांग्लादेश के साथ मैच भी जीता है, उस मैच के बाद वो क्वालिफाई कर गए हैं और इंडिया भी अच्छे मूड में दिख रही है। तीसरी टीम की बात करें तो यार भाई तीसरी टीम है हॉट फेवरेट्स इंग्लैंड। इंग्लैंड भी फाइनली आखिरी में गिरते पड़ते क्वालिफाई कर चुकी है। चौथी टीम की बात करें तो चौथी टीम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अनऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है पर ऑफिशियली भी यार भाई वो जल्द क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि पाकिस्तान को 300 रन की एक जीत चाहिए बांग्लादेश के विरुद्ध, जो वे टू इम्पॉसिबल है। और चारों टीमें यही रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और सेम यही ऑर्डर में अभी जो है वो पॉइंट्स टेबल पर बैठी है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया बैठी है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर इंग्लैंड और चौथे पर न्यूजीलैंड, यही ऑर्डर में अभी जो है पॉइंट्स टेबल पर बैठी है। आगे बात करते हैं यार भाई आखिरी में एंड में क्या रहने वाली है पॉइंट्स टेबल। सो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं चौथे और तीसरे नंबर पे फिक्स रहने वाला है। चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड ही रहने वाली है और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड ही रहने वाली है, ये दोनों तो फिक्स है। बाकी बची दो टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दोनों के एक एक मैच बचे हैं और यहाँ से यार आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो आखिरी बचा हुआ मैच है साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वो जीत जाएगा और ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे ही बैठा रहेगा और नंबर दो पे इंडिया रहेगी। सो अभी जो पॉइंट्स टेबल है वैसी ही सेम टू सेम पॉइंट्स टेबल आखिरी में रहने वाली है। बात करते हैं यार भाई मैच प्रेडिक्शंस को लेके, तो पहला सेमीफाइनल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में और यहाँ पर आई प्रेडिक्ट कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने वाला है। दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के विरुद्ध और यहां पर आई प्रेडिक्ट कि इंडिया ये सेमीफाइनल जीतने वाला है। सो गाइस ये है दो टीमें जो फाइनल में जाने वाली है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है यार भाई इंग्लैंड से बदला लेना चाहेगी, जो इंग्लैंड से एक ग्रुप स्टेज में मुकाबला हारी है वो यार भाई इंडिया जीतने वाली है। सो आई थिंक ये दो टीमें ही जाने वाली है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब प्रेडिक्शन आती है फाइनल कौन जीतने वाला है, तो भाई कांटे की टक्कर रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक पांचवा या छठवां वर्ल्ड कप रहने वाला है और इंडिया का तीसरा, तो बहुत ज्यादा मशक्कत रहने वाली है। फिर भी आई प्रेडिक्ट कि इंडिया ये मुकाबला जीतने वाली है, इंडिया फाइनल जीतने वाली है। आपको क्या लगता है यार भाई, आपके क्या प्रेडिक्शन है नीचे मेरे को बिल्कुल बताना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, चारों में से कौन फाइनल जीतने वाला है आप बताओ यार भाई, आपको क्या लगता है। सो फिर मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो बिल्कुल से कर देना। बाय।